एक युवक को युवती से प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा। युवती के परिजनों ने युवक की पिटाई कर किया अपहरण। पुलिस के सक्रिय होने पर अपहरणकर्ता युवक को सुनसान स्थल पर छोड़कर भाग गए। युवक को पुलिस थाने लेकर पहुंची। युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने भाजपा के एक नेता सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिपलोदा क्षेत्र के अयाना गाँव में बेहो तवर का ग्राम बड़ायला निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वैभव ने यूपी से इंदौर आकर एक मंदिर में प्रेम विवाह किया। वैभव अपनी पत्नी को लेकर गुरुवार को पिपलोदा थाने पहुंचा। थाने से पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचित की कि सूचना के बाद परिजन थाने पहुंचे। थानों में परिजनों ने युवती से बात की, लेकिन युवती साफ तौर पर कह दिया कि वह वैभव के साथ ही जाएगी। पुलिस ने इसके बाद युवती को पिपलोदा से वन स्टॉप सेंटर रतलाम पहुंचा दिया। शुक्रवार को वैभव अपने परिचितों के साथ अपनी पत्नी से मिलने रतलाम वन स्टॉप सेंटर पहुंचा, लेकिन उसे नहीं मिलने दिया। युवती के परिजनों ने वैभव से बैठकर बात करने के लिए कहा। कालिका माता मंदिर परिसर के बगीचे में बुलाया। यहां युवती के परिजनों ने वैभव से कहा कि वो बयान नहीं बदल रही, तुम ही अपना बयान बदल दो। वैभव ने इससे मना कर दिया। वैभव वापस जाने के लिए अपने परिचितों के साथ कार में बैठा, तभी तो वहां से आए कुछ लोगों ने उसकी कार को घेर लिया और कार के कांच फोड़ दिए। वैभव और कार में सवार उसके परिचितों के साथ मारपीट करने लगे और वैभव को अपने साथ वालों में बिठा कर ले गए। यह युवक वैभव को अपनी गाड़ी में पहले खाचरोद रोड की ओर ले गए। इन युवकों ने गाड़ी में वैभव को डराया धमकाया, फिर एक वीडियो भी बनाया जिसमें यह खिलवाया कि युवती ने उसको धमकी दी थी, इसलिए उसने शादी की है, अब मैं उसे छोड़ता हूँ। इसके बाद इन युवकों ने दूसरी गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी में वैभव को बिठाया, फिर बंजिली बाईपास ले जाकर छोड़ दिया। इधर वैभव को युवकों द्वारा ले जाए जाने पर उनके साथी स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंचे। दरअसल वैभव जब अपने परिजनों तक पहुंचा, उसके बाद अपहरण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जब तक पुलिस विवाह को लेकर थाने नहीं पहुंची, तब तक स्टेशन रोड थाने में वैभव के परिचित और परिचित बैठे रहे। पुलिस वैभव बुंदेली बाईपास लेकर गई। वैभव की रिपोर्ट पर स्टेशन रोड पुलिस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीनदयाल पाटीदार, कपिल पाटीदार, अनुराग पाटीदार और 5 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि फरियादी युवक वैभव ने भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाखा का नाम भी मीडिया के सामने उसके साथी मारपीट करने वाले में लिया, लेकिन पुलिस ने FIR में उनका अभी नामजद नहीं किया। टीम भारती न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव सिंह तंवर है। अच्छा वैभव, क्या हुआ? मैंने लव मैरिज करी। लव मैरिज करने के बाद मैं मेरी बीवी को मेरे स्थानीय थाने में ले गया। वहाँ से मेरी बीवी को मुझे अलग किया, मेरी वाइफ को मुझे अलग किया, उसको यहाँ पे वन विभाग रतलाम में लाया गया। मैं यहाँ पे आया मेरी बीवी से मिलने, आज तो आज मेरे को मिलने नहीं दिया। मैं वहाँ पे बैठा था मेरे सारे रिश्तेदारों इनके साथ, उसके पास में इस जगह वन विभाग के पास में, वहाँ से मेरे को मारपीट करके इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को एक बोलेरो कार में बिठाया। वहाँ पे मारते मारते मेरे को एक सुनसान रास्ते में जाके कार चेंज करी, फिर मेरे को मुझे मेरे बयान चेंज करने का बोला रास्ते में, और मारने की और सब कुछ मारने की और इनकी धमकी दी। वहाँ पे उसकी लड़की के नाना जी सब, नाना जी बेरूलाल जी पाटीदार, वहाँ पे मुझे दीनदयाल पाटीदार, हरिराम जी शाह और बेरूलाल पाटीदार और अनिल पाटीदार और अन्य लड़के मुझे मारते मारते दूसरी गाड़ी में बदला और मुझे धमकी दी कि तू तेरे बयान चेंज कर, लड़की नहीं मान रही है, तू तेरे बयान चेंज कर, और मुझसे एक वीडियो बनवाया कि बयान चेंज करने के, और वो मुझे टॉर्चर करके बनवाया गया और मुझे मारने की धमकी देकर मार। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सही सलामत मेरी वाइफ मुझे वापस लौटाई जाए और हम आगे कुछ भी ना हो, बाकी इन गुनहगारों को इनकी सजा मिले। अब एक अपहरण हुआ है, वैभव तवर करके लड़का है, क्या मामला है, पुलिस के सामने आया? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वैभव तवर निवासी जो फरियादी हमारे निवासी पिपलोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। इन्होंने अभी थाने आके रिपोर्ट ये किया कि इन्होंने एक अपने पिपलोदा क्षेत्र से ही युवती से प्रेम विवाह किया था, और प्रेम विवाह किया तो उसके बाद थाना पिपलोदा से जो युवती है उनको काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर में भिजवा दिया गया था। तो ये युवती से मिलने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ में आए थे। इन्होंने बताया कि वहाँ पहले से ही जो युवती है उसके परिजन भी वहाँ पर मौजूद थे। परिजनों ने इनको बोला कि चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान परिजनों ने इनको धमकाया कि जो लड़की है वो बयान नहीं बदल रही है, आप अपने बयान बदल लीजिए, हम तो लड़की को ले जाना चाहते हैं। इन्होंने मना किया, इनकार किया, तो वहाँ पे वाद विवाद किया। इसके बाद इनका कहना है कि इसमें व्हाइट कलर की बुलेरो गाड़ी में रख करके इनको
डरा धमका कर जबरदस्ती लेकर गए हैं, और गाड़ी के अंदर भी इनको धमकाया गया कि तुम अपने बयान बदल लो और लड़की को हम ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद इनको बंजली वाद विवाद मारपीट के बाद बंजली बाईपास के पास में इनको छोड़ दिया, जहाँ से ये थाने आया। थाने आके इन्होंने रिपोर्ट किए, रिपोर्ट में इन्होंने 5 नामजद लोगों के अलावा अन्य लोगों के का रिपोर्ट में खुलासा किया है। इसमें विधिवत धाराएं 365, 427 गाली गलौज मारपीट की धाराएं इसमें लगी हैं, और इसमें विवेचना भी शुरू हुई है, तो इसमें जिन जिन लोगों की भूमिका और आगे आएगी संदिग्ध आएगी कार्रवाई की जाएगी, हमें सुरक्षा दी जाए और साथ में लड़की को बयान के बाद हमें सौंपा जाए, इसलिए और भी पुलिस ध्यान देगी। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई चीज़ आएंगी, तथ्य आएंगे, तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। सर अभी जिस FIR हुई है, इसमें FIR में अब आगे की चीज़ें पेश करेंगे। बिल्कुल, 365 धारा लगी जैसा फरियादी ने बताया, उस आधार पर 365 धारा लगी उसमें। धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.